Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. Till now, we have covered the general characters of fungi, reproduction in fungi, and from today onward, we will start the classification in fungi. Today, we will study about the first class, that is phycomycetes. Dekho, phyco and myco. Phyco matlab algae, myco means fungi. To ye aisi class hai jisme कुछ एल्गी के कैरेक्टर्स लाइक द सेल वॉल इज लाइक ऑफ एल्गी, तो इसीलिए इसको प्रिमिटिव, जो फंजाई की प्रिमिटिव क्लास भी कहते हैं, और ये समहाउ इट इज रिलेटेड टू एल्गी. सो द फर्स्ट क्लास इज फाइकोमाइसिटिस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट दैट इज ऊमाइसिटिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई. देखो क्लासिफिकेशन में आपको दो चीजें याद रखनी है. पहला कि जो क्लासेस हैं उनके दे आर ऑल्सो नोन एज, मतलब सभी के क्या है कुछ अलग नाम हैं. सारी की सारी क्लासेस के दे आर ऑल्सो नोन एज दिस, दे आर ऑल्सो, जैसे कि ऊमाइसिटिस है इसको एल्गल फंजाई कहते हैं, तो सारी फंजाई में अदर नेम्स हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा इनके एग्जाम्पल्स और ये जो डिजीज कोज करते हैं. जनरल कैरेक्टर्स रिप्रोडक्शन ठीक है हो गया, लेकिन अभी जो मेन लर्निंग पार्ट स्टार्ट हुआ है. जनरल कैरेक्टर्स तो इनके हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए थे, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद क्या करना है कि कौन सी फंजाई का क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, और कौन जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सी डिजीज कोज करते हैं. तो इसको चाहे लिख के, चाहे मेरे साथ बोल के, ठीक है बोलते रहो, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ बोलो, सो दैट आज यहीं पे हम लोग इनके एग्जाम्पल्स, डिसऑर्डर्स, डिजीज इनको लर्न करके जाएं, ठीक है. सो द फर्स्ट दैट इज ऊमाइसिटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज फंगल एल्गल फंजाई, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई इसको बोलते हैं. इट इज एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब पानी में पाई जाती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एक्सेप्शन, बिकॉज फंजाई की सेल वॉल तो काइटिन से बनी है, लेकिन उस माइसिटिस में क्या है, दैट इज कि जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइसीलियम देन सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, एसेप्टेट है. और अगर एसेप्टेट है, सेप्टा एब्सेंट है, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर होगा. क्यों मल्टी सेलुलर होगा, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेप्टा है ही नहीं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक, ठीक है. क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस स्पोर्स से होती हैं, दे आर प्लैनोस्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लाज्मोगैमी है वो सेक्स ऑर्गन के डायरेक्ट फ्यूजन से या फिर फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन से होती है. समझ में आया. नेक्स्ट दैट इज डिसऑर्डर्स, याद करोगे, मैं बोलूंगी मेरे साथ साथ बोलोगे. पहला है एल्ब्यूगो कैंडिडा, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऊमाइसिटिस, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एंड इट कॉजेज वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड. एल्ब्यूगो कैंडिडा कॉजेज वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड. सेकेंड स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनेसिया, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनेसिया दैट कॉजेज डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा. स्क्लेरोस्पोरा क्या कॉज करती है, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, या फिर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा. थर्ड सेप्रोलेजनिया, थर्ड क्या है, सेप्रोलेजनिया दैट कॉजेज साल्मन डिजीज ऑफ गिल्स इन फिशेस. क्या कॉज करती है, साल्मन डिजीज ऑफ गिल्स इन फिशेस. द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन दैट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. जो क्या कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. नीट के अलावा अगर आप कोई और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो जिनमें जनरल साइंस आती है, बेसिक बायोलॉजी आती है, तो उसमें भी क्या है, ये डिजीज पूछी जाती हैं. समझ में आई बात. सो द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन दैट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड ऑल्सो नोन एज ग्रेट ग्रेट इरिश फेमाइन.
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट इरिश फेमाइन। सेकेंड जो कैटेगरी है फाइकोमाइसिटिस की, दैट इज जाइगोमाइसिटिस। क्या है? जाइगोमाइसिटिस। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजुगेशन फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? कंजुगेशन फंजाई। ठीक है, जाइगोमाइसिटिस को कंजुगेशन फंजाई कहते हैं। मिट्टी में पाई जाती है, सोयल में पाई जाती है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, माइसीलियम कैसा है? सिनोसिटिक, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट। सिनोसिटिक मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट। एक्सेप्शन, क्योंकि एक क्लास की दो कैटेगरी है। ओमाइसिटिस में सेलुलोज की सेल वॉल है, बट जो जाइगोमाइसिटिस है उसकी सेल वॉल बनी है काइटिन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से, एग्जांपल रहिजोपस एंड म्यूकर। और जिसमें जाइगोस्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग स्पोर्स। इनको क्या कहते हैं? रेस्टिंग स्पोर। तो रहिजोपस और म्यूकर कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस की कौन सी कैटेगरी से? जाइगोमाइसिटिस। द नेक्स्ट क्लास, द सेकेंड क्लास, दैट इज एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, क्या है? एस्कोमाइसिटिस, ऑल्सो नोन एज सेक फंजाई। एस्कोमाइसिटिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेक फंजाई। इसका क्या नाम है दूसरा? सेक फंजाई। भाई यूनिसेलुलर एग्जाम्पल एक ही है, ईस्ट, सेक्रोमाइसिस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेक्रोमाइसिस या फिर ईस्ट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। अब सेप्टा प्रेजेंट है, और कौन से टाइप का सेप्टा है? सिंपल पोर सेप्टा प्रेजेंट रहता है। कौन सा सेप्टा है? सिंपल पोर सेप्टा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। कोई भी मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे एस्कोमाइसिटिस की लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किससे होगी? कोनिडिया से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बन रहे हैं, कौन से स्पोर हैं? कोनिडिया बन रहे हैं, दे आर द ए प्लानोस्पोर्स। सारी टाइप की प्लाज्मोगेमी होती है, सारी पांचों। ठीक है, कॉपुलेशन भी, कॉन्टेक्ट भी, स्पर्मेटाइजेशन भी, सोमैटोगेमी भी। ठीक है, सारे के सारे टाइप के प्लाज्मोगेमी होते हैं। एंड इसमें डाई कैरियोन फेज बनता है, डाई कैरियोन स्टेज इसमें नजर आती है। और कैसे बनती है डाई कैरियोन? क्रोजियर मेथड से। याद रखना, एस्कोमाइसिटिस में क्रोजियर मेथड है जिसके कारण डाई कैरियोन फेज बनती है। ये जो डाई दो न्यूक्लियस हैं वो फिलामेंट की हेल्प से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और इस मेथड को कहते हैं क्रोजियर मेथड, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रोजियर। अब ये डाई कैरियोन स्टेज आ गई, यहाँ पे ये क्या बन गया? एस्कोजीनस हाइफे। अब इन दोनों न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी? फ्यूजन हो जाएगी, ये बहुत सारे एस्कस बना लेंगे, और इन एस्कस के बाहर एक कवरिंग बन जाएगी, दैट इज नोन एज एस्कोकार्प। और बाद में ये फ्री इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे, जो एस्कस है वो न्यू फंजाई की फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स और डिजीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, तो क्या करना है? यू हैव टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।